नमस्कार, मैं रेमो परतिन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पासीघाट नगर निगम चुनाव घोषित कर दिया गया है। इसी विषय पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं आप सभी के संग। मेरा पहला विचार, हमारे नगर निगम चुनाव के लिए हमें इस बार कुछ नया नेता चुनने होंगे, जो हमारे पासीघाट को और खूबसूरत बनाए, जिससे हमें इन गड्ढों से, वन नालों से और ये से छुटकारा मिले। मेरा दूसरा विषय है हमारे बेरोजगार युवा भाई बहनों के लिए। आप लोग, इतना सारा अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे यहाँ पे हैं जो नौकरी के लिए तरस रहा है, लेकिन हमारे यहाँ में प्राइवेट कंपनीज है ही नहीं। हम लोग इन्वाइट ही नहीं कर पा रहा है जो हमें नौकरी देगा। सब गवर्नमेंट नौकरी के पीछे है, सबको तो मिलेगा नहीं। आप में से भी बहुत सारा यूथ जो है पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। आप लोग भी खुद जाइए पॉलिटिक्स में। आपका विजन, आपका सोच नया है। आप जब नया सोच लेके पासीघाट के लिए आप कुछ फ्यूचर सपना सोचता है, अपने बच्चों के लिए जो सोचना सपना देख रहे हैं, वो आप अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो बच्चा लोग क्या, आपका बच्चा लोग, बेटा लोग फ्यूचर में जो होगा रहे आएगा, उन के लिए कुछ भी नहीं रहेगा अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसी प्रकार से चलता रहा तो। मेरा तीसरा विषय है, हमारा अरुणाचल का पॉलिटिक्स तो आप सभी को पता ही है, पैसा का पॉलिटिक्स है। पैसा नहीं तो आप लीडर नहीं। इस पैसा का चलन को, रुपये के चलन को हमें कोई ना कोई तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, जिससे हमारे एरिया में डेवलपमेंट आ जाए, हमारे एरिया में विकास हो। आप पैसा लेके वोट देगा, उसके बाद 5 साल के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। आप वो चाहता है तो आप करते रहिए उसका, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमें स्पेशली यूथ, जो युवा लोग हैं, भाई लोग, बहन लोग, आप लोग निकलिए। आप लोग अपना आस पड़ोस, भाई बहन सबको बोलिए, पैसा नहीं लेना है, वोट उसको दीजिए जो आपको डेवलपमेंट, जॉब ला के देगा। उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क करने के लिए मेन जिम्मेदारी कौन होता है? जो काउंसिलर्स आप सिलेक्ट करते हैं, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है डेवलपमेंट के लिए। तब उसके बाद उससे नया नया कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, नया नया जॉब क्रिएट होता है। यहाँ फला इंटरव्यू निकलेगा, वहाँ निकलेगा, बहुत सारा जॉब क्रिएशन होगा, वहाँ में एंगेज होगा आप लोग। और आप ही गलत आदमी को वोट दे के जिताएगा तो वो डेवलपमेंट कहाँ से लेगा? वो तो अपना प्रॉफिट मोटिव देखेगा ना। तो इस बार भाई लोग, बहन लोग, आप लोग सब अपना आवाज़ निकालिए, अपना व्यूज़ अपना उसको एक्सप्रेस कीजिए बाय वोटिंग। और मेरा कुछ नया पॉइंट्स होगा तो मैं ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।